नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पेट्रोल के दाम चले गए हैं 100 के पार। मोदी जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने देश पर किया इतना बड़ा उपकार। उपकार शब्द से आप में से कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस मामले में मैं उनके भक्तों के साथ हूं। मैं आपको पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंचने के जब फायदे गिनाऊंगा तो आपकी भी समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है। उन सब कारणों के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक ज्यादा जरूरी बात। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी इसका क्रेडिट नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल, मनमोहन को क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 100 के पार पहुंचे हैं, उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। हम तो केवल उनकी करतूतों या कहिए कर्तव्यों के कलेक्शन एजेंट हैं। बोले तो वसूली बाज। सोचिए, अटल जी को भी नहीं छोड़ा, कितना खराब लग रहा होगा भारत रत्न को। खैर, मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सुनने और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी वालों को मोदी जी के बयान का कहीं खंडन न करना पड़ जाए, क्योंकि पेट्रोल के दाम 100 के पार जाने में देश का इतना बड़ा फायदा है कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। सच ये है कि मोदी जी सैकड़ा पार अभियान के बाद आसपास के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं, लेकिन जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है, और वो तो राम जी की कृपा से सिर्फ अपने वाले के पास है। तो चलिए फायदा समझाते हैं सैकड़ा पार अभियान का, वो भी एक नहीं पूरे 10 फायदे। फायदा नंबर एक, पेट्रोल के दाम का सैकड़ा पार जाना विकास का नया पैमाना है। इससे पता चलता है कि भारत के लोगों की खरीदारी की ताकत कितनी बड़ी है। जैसा कि बीजेपी के एक एमपी ने भी फरमाया है कि लोग तो मजे में हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे जीडीपी ज्यादा होना देश के लिए अच्छा होता है, वैसे ही डीजल पेट्रोल के दाम ऊपर जाना भी देश के लिए अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि जीडीपी की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। भारत को अर्थव्यवस्था पेट्रोल के दाम से लिंक कर देनी चाहिए। जीडीपी जब तब लफड़ा करता रहता है, मोदी जी को दिक्कत होती है। पेट्रोल के दाम पर मोदी जी का पूरा कंट्रोल है। फायदा नंबर दो, पेट्रोल के दाम सैकड़ा पार जाने से भारत का दुनिया में डंका बजने लगा है, क्योंकि इससे हम विकासशील देशों की गरीब टाइप की छवि से एक झटके में विकसित देशों की कतार में आ खड़े हुए हैं। 101 रुपए का चंदा मंदिर के लिए दे दो या 1 लीटर पेट्रोल खरीद लो, पुण्य बराबर मिलेगा। भारत का पासपोर्ट देखते ही इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में लोग फूल बरसाने लगते हैं, केक खिलाने लगते हैं। अच्छा, आप इंडिया से आए हैं, वही इंडिया जहां पेट्रोल सैकड़ा पार मिलता है, माशाल्लाह। फायदा नंबर तीन, पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंचने के बाद किसान आंदोलन को खत्म होने से अब कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी ने केवल पेट्रोल के दाम में आग लगाकर दोहरा गेम खेल दिया है। न तो किसान गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवा पाएगा, और न ही वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से गाजीपुर, सिंघू या टिकरी बॉर्डर करेगा। अगर किसान इसके बाद भी ट्रैक्टर और गाड़ी से घूमेंगे तो मोदी जी बोलेंगे, देखो देखो हमने किसानों को कितना खुशहाल बना दिया है, हमने पहले ही कहा था एमएसपी की गारंटी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब दोनों हाथ में लड्डू। फायदा नंबर चार, पेट्रोल के दाम सैकड़ा पार पहुंचने के बाद मोदी जी को यह साबित करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि मदद की असली जरूरत खेती किसानी को नहीं, अंबानी, अडानी, बियानी को है, क्योंकि आने वाले दिनों में असल किसानी तो अरबपतियों को ही करनी है। उपज भी अरबपति ही बेचेंगे, तेल का धंधा भी वही करते हैं। इसलिए भारत माता की भलाई के लिए उनकी स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मोदी जी ने पहले भी फरमाया है कि वो बहुत दूर की सोचते हैं, इसलिए गरीब मध्य वर्ग को शायद वो देख नहीं पाते। फायदा नंबर पांच, पेट्रोल के दाम सैकड़ा पार पहुंचने के बाद मोदी जी के नाम का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा हाहाकारी और हृदय विदारक विकास करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेहरू जी और अटल जी को उन्हें स्वर्ग से शुभकामनाएं और बधाइयां भेजनी चाहिए। धन्यवाद जो भारत माता को ऐसा प्रतापी प्रधानमंत्री मिला। फायदा नंबर छह,
पाकिस्तान और चीन हमसे थर थर कांपने लगे हैं कि जो देश टेम्पो ट्रैक्टर चलाने के लिए सैकड़ा पार पेट्रोल खरीद सकता है, वहां के लोग घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए तो पिन नंबर लिखकर एटीएम कार्ड ही पेट्रोल पंप पर छोड़ आएंगे कि जितना चाहे निकाल लीजिएगा मोदी जी, हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय। फायदा नंबर 7, पेट्रोल सैकड़ा पार होने से मुसलमानों को नानी याद आ जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल आता है खाड़ी देशों से, खाड़ी देशों में मुसलमानी राजा और मुसलमानी प्रजा। पेट्रोल सैकड़ा पार पहुंचाने से तेल की खपत कम होगी, तेल की खपत कम होगी तो आयात कम होगा, और आयात कम होगा तो खाड़ी देशों की कमाई कम होगी, और इस तरह से सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे देश बर्बाद हो जाएंगे। इससे साबित हो जाएगा कि ये सारे देश भारत के टुकड़ों पर पल रहे थे, परजीवी थे, क्या समझे। फायदा नंबर 8, पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। आप तो जानते ही हैं कि पेट्रोल डीजल जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए समस्त मानवता को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने फैसला किया कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने हेतु इसकी कीमत सैकड़ा पार कर देना बहुत जरूरी है, न जनता तेल डलवा पाएगी और ना ही प्रदूषण बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक। कांग्रेस वाले हैरान हैं कि ऐसा हिट आइडिया उनके प्रधानमंत्रियों को क्यों नहीं आया, अटल जी को भी नहीं आया था। फायदा नंबर 9, ग्रेटा थनबर्ग, लिसी प्रिया कंगुजम और दिशा रवि जैसे पर्यावरण प्रेमी बच्चियों को सबक सिखाने के लिए पेट्रोल के दाम को सैकड़ा पार पहुंचाना बहुत जरूरी था। ये बित्ते बित्ते भर की लड़कियां समझती थी कि वही पर्यावरण को बेहतर बनाने के बारे में सोचती हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम का मास्टर स्ट्रोक चल के 70 साल के मोदी जी ने साबित कर दिया है कि वो 9 साल की लिसी प्रिया, 18 साल की ग्रेटा और 21 साल की दिशा को हरा सकते हैं। और फायदा नंबर 10, पेट्रोल का दाम 101 पर पहुंचाना हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लिए बहुत जरूरी था। 101 की संख्या को पंडे बहुत पवित्र बताते हैं, 101 रुपए की दक्षिणा बहुत शुभ मानी जाती है, और आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी शुभ कार्य के कितने बड़े शौकीन हैं। मैं तो इतना ही गिन पाया। आपकी नजर में सैकड़ा पार पेट्रोल के और भी फायदे हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी वालों को, भारत सरकार को, मोदी जी को, पेट्रोलियम मिनिस्टर को किसी प्रेशर में आने की जरूरत ही नहीं है, कतई नहीं। उनको कहना चाहिए मोदी जी ने रात दिन एक करके पेट्रोल के दाम को सैकड़ा पार पहुंचाया है, 7 साल से वो इस चिंता में ठीक से सोए नहीं है कि पेट्रोल का दाम सैकड़ा पार कैसे पहुंचाया जाए। 2 साल पहले मौका आया था, लेकिन कुछ ग्रह दोषों के कारण 90 पार जाकर ही रुक गया था। मोदी जी के किस्मत से और भारत के भाग्य से ये मौका अब जाकर आया है। हम सबको इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मोदी जी को तो अर्थशास्त्र का नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्र का नोबेल अमर्त्य सेन को भी मिल चुका है और अमर्त्य सेन से बीजेपी वाले बहुत चिढ़ते हैं, इसलिए मोदी जी को दिक्कत हो सकती है लेने में। इसलिए मैं अपील करता हूं कि पेट्रोल के दाम सैकड़ा पार कराने के महान योगदान के लिए मोदी जी को पर्यावरण या समाज सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसके लिए नोबेल समिति को चिट्ठी लिखें, ट्वीट करें और हैशटैग चलाएं नोबेल फॉर नरेंद्र भाई। हंसिए मत, इस ऐतिहासिक मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, लोग माफ नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर भी जाकर लाइक कर दीजिए। नमस्कार।